को यूज ज्यादातर कौन लोग करते हैं? या तो पैरासाइकोलॉजिस्ट करते हैं, या रेकी वाले लोग करते हैं, प्राणिक हीलिंग वाले लोग करते हैं, ये लोग करते हैं ज्यादातर यूज। तो ये जो एक्सपर्ट है, जैसे मैं खुद ग्रैंड मास्टर हूं, मैं टीच करता हूँ रेकी को, तो वी कैन जस्ट दिस ऑरा लाइक दिस। मैं जैसे अपने अंगूठे को देख रहा हूँ, आई कैन जस्ट सी दैट, क्योंकि हमें प्रैक्टिस हो जाती है। बट नॉर्मल आदमी को कैसे विश्वास हो कि ऐसे ही अंगूठा दिखा दिया सर आपने, मजे ले रहे हो, ऐसे नहीं दिख रहे। कोई बात नहीं, रशियन मशीन्स हैं जो आपकी ऑरा को दिखाती है। मैं आपकी स्क्रीन पे जो पिक्चर दिखा रहा हूं, ये रशियन मशीन से लिया गया है। कॉस्टली आती है, बट ये रशियन मशीन्स हैं जो आपकी ऑरा को स्कैन। नमस्कार दोस्तों, आवर ब्रेन आवर लाइफ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर जेडी भार्गव और मैं प्रेजेंट करता हूँ आवर ब्रेन आवर लाइफ को। आज हम जर्नी शुरू करने जा रहे हैं ऑरा के ऊपर। अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो, एस्ट्रोलॉजी वर्सेस पैरासाइकोलॉजी और सोलमेट वर्सेस पैरासाइकोलॉजी, उनमें ऑरा का मैंने डिस्कशन किया था, जिसके लिए मैंने बोला था अगर आप कहेंगे तो अलग से एक वीडियो बना लेंगे कि वो साइकोलॉजिकल ऑरा में कोई आपस में मिलान है या साइकोलॉजिकल कोई ऐसा इंपैक्ट होता है ऑरा पे, पैरासाइकोलॉजी में कुछ है वर्ड ऐसे। तो आज हम चल रहे हैं उस जर्नी पे समझने के लिए कि हम ऑरा को अच्छे से समझ लें है क्या, और उसका साइकोलॉजिकल मिलान करके देख लें कि साइकोलॉजी उसमें कितना इंपैक्ट करती है और कैसे हमारे रिजल्ट आते हैं। शुरू करते हैं अपनी जर्नी, और शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर और लाइक जरूर करें। तो हम इस जर्नी पे अब शुरू करते हैं। ऑरा है क्या? आजकल मंदिर बन रहा है श्री राम का अयोध्या में, और जन्माष्टमी आने वाली है, तो आप बहुत सारे पोस्टर्स देख रहे होंगे जो भगवान के पोस्टर। वो पोस्टर्स के बैक में अगर आप देखोगे, सर के पीछे कुछ सर्कल्स बने हुए, ऐसा सूर्य का प्रकाश दिखाया होगा। वो जो सर्कल्स हैं उन्हीं को ऑरा बोलते हैं। वो ऑरा लेकिन पूरे बॉडी में होती है, ये किसी की इमेजिनेशन नहीं है। इसको आज हम साइकोलॉजिकल समझने की कोशिश करेंगे। तो वो ऑरा जो पीछे आपको दिख रही है वो पूरी बॉडी में होती है। पहली बात, सर के पास इसलिए दिखाते हैं, जितना स्ट्रेंथन आपका माइंड होगा उतने ही स्ट्रेंथन आपके विचार होंगे, और उतने ही अच्छे से आप अपने गोल अपने विजन्स अचीव कर पाएंगे। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं इसकी जर्नी पे कि ऑरा क्या होती है। साइकोलॉजिकल कहीं मिलान है जो मैंने बोला, और ये हमें इंपैक्ट करती है और नहीं करती है ये भी पता होना चाहिए, और इसका फायदा क्या होने वाला है, क्या हम इसको चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कुछ भी बातें बोलते हैं ऑरा के लिए, हम क्या चेक कर सकते हैं, ये भी तो हमारे दिमाग में विचार आता है। तो आज सारे क्वेश्चंस का जवाब निकालेंगे। तो ऑरा क्या है? ये माइंड की शील्ड है। यहां तक समझ गए आप आगे चलेंगे। ऑरा क्या है? माइंड की शील्ड है, और जितनी स्ट्रांग ये शील्ड होगी उतने ही स्ट्रांग आपके विचार होंगे, उतने ही गोल अचीवमेंट होंगे। ये माइंड की प्रोटेक्टिव शील्ड है जो हेड से लेके टो तक पूरी कवर करती है। हम आगे चलते हैं। ऑरा काम कैसे करती है हमें ये भी पता होना चाहिए। हाउ कैन वी नो अवर ऑरा इज वीक और स्ट्रॉन्ग, हमें पता होना चाहिए ना, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो इसका बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको, दो तीन एग्जांपल से आपको पता लग जाएगा किसकी ऑरा ज्यादा कमजोर है किसकी ऑरा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि घर पे तो आप इसको नाप नहीं सकते, मैं आगे बताऊंगा आपको इनको नापते कैसे, लेकिन आपको जजमेंट हो जानी चाहिए। जैसे हमें बुखार होता है ना, हमें जजमेंट हो जाती है, ओहो लग रहा है कुछ फीवर है, तो वैसे ही आपको पता हो जाना चाहिए। समझिए आप एक हॉस्पिटल गए हैं, किसी को हार्ट अटैक आया है, मतलब माइनर हार्ट अटैक है, उसको प्रॉब्लम हो गई है, डॉक्टर ने उसको ट्रीट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। आजकल डिफरेंट डिफरेंट नए नए टूल्स लगा रहे हैं, तो उसको ट्रीट कर रहे हैं, और आप पहुंच गए, भाई आपको हार्ट अटैक आया है, ओ, बहुत बुरा हुआ। डिस्कशन किया उसे 15-20 मिनट, उसने आपको बताया हाँ यार आया तो है पर इश्यू है। फिर आपने धीरे से पूछा क्या प्रॉब्लम हुई थी, उसने आपको बता दिया मैंने पराठे खाए थे या जो भी किया था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था,
ठीक है, घी ज्यादा खा लिया था, उसने 10-15 पैरामीटर जो उसके होंगे वो बता दिया आपको, आपने सुन लिए, अब आप बाहर आ गए हॉस्पिटल से। और बाहर आने के बाद आपने क्या किया, जो आपके साथ गया था, यार ये सारे काम तो मैं भी करता हूं, मेरे भी चेस्ट में कभी कभी पेन हो रही है, हार्ट अटैक तो नहीं आ गया मुझे, मैं भी टेस्ट कराऊंगा। अब शुरू होगी जी एंजियोग्राफी कराओ, स्टंट डलेगा, ये होगा वो होगा, ये सारी चीजें शुरू हो गई बिना किसी बात के। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला फंडा शुरू हो गया नेगेटिविटी में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आप कहेंगे अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो ये आपको समझ आ गया पहला। दूसरा, दूसरे के अंदर क्या है, ईटिंग हैबिट्स। कोई आदमी मोटा हो गया, वेट बढ़ गया, वेट गेन कर लिया उसने, आजकल सबको पतला दिखना है, बिल्कुल स्लिम ट्रेन। एक नया वर्ड निकाला है अंग्रेजों ने, जीरो फिगर, ठीक है, तो उस पे जाना है हमने। और उसने बताया कि मैं तो बस, मैंने सुबह भी खाना छोड़ दिया, दोपहर भी कोई छोड़ दिया और रात को भी छोड़ दिया, बस मैं तो फूड्स पे, एक और वर्ड यूज करते हैं जस्ट यूज दैट डाइटिशियन, कीटो डाइट पे ऐसे हम आपको डाल देते हैं। तो अब क्या होगा, आपने भी वहां से आया बिना किसी डाइटिशियन से बात किए हुए, अपना ही दिमाग लगाया और फॉलो करना शुरू कर दिया, 4 दिन बाद चक्कर आ गई, ग्लूकोज चढ़ रहा है, ये हो रहा कमजोर। तीसरा एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों का, ये आप बड़ा फील करते होंगे, कुछ शैतान बच्चे होते हैं। हम जब हॉस्टल में रहा करते थे पढ़ते टाइम, तो कुछ बच्चे ऐसे होते थे खा पी के ना 10-10:30 बजे बिस्तर पे लेट जाते थे, लाइट कर देते थे बाहर, अब बाहर से देखो लाइट बंद है, अच्छा सो रहा है। अब आप कितनी देर तक जागोगे, 12-1 बजे तक जागोगे, अब क्या है वो 1 बजे उठ जाएगा और सुबह 6-6:30 बजे तक लगातार पढ़ेगा और फिर 6:30 बजे चादर तान के दोबारा सो जाएगा। जो लोग आप हॉस्टलों में रहे होंगे काफी लोगों ने फील किया होगा। और जब दिन में पूछोगे यार तेरे को कैसे आता है आंसर, अरे कुछ नहीं आसान था यार, मैं तो पढ़ता ही तेरे सामने, मैं तो सोता रहता हूँ, जो टीचर बोलता है बस वहीं से सीख लेता हूँ। और आपका बच्चे को ऐसे ही किसी ने बोल दिया, भाई मैं तो सारा दिन गेम खेलता हूँ, मैं तो सारा दिन फुटबॉल खेलता हूँ, मैं तो सोता रहता हूँ, मैं तो वीडियो गेम्स खेलता हूँ, मैं तो नेट सर्फिंग करता हूँ। बच्चे ने कहा ओके ओके वेरी गुड, और पर नंबर मेरे बहुत अच्छे आ जाते हैं, तो ठीक है तुम भी शुरू हो जाओ। आपका बच्चा भी शुरू हो गया, उस दिन से सोना खाना पीना सब उसकी तरह फॉलो करना और फेल हो गया। तो ऑरा कमजोर है, ऑरा इज माइंड, कॉन्शियस माइंड की शील्ड है, ये साइकोलॉजिकल प्रूवन है। जिन लोगों के कॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग होंगे उनकी ऑरा बहुत स्ट्रांग होगी। तो आप, आपको ये क्लियर हो गया, अब इसको हम आगे लेकर चलते हैं, ऑरा से इंपैक्ट क्या क्या आते हैं। कैन वी चेक दिस ऑरा, क्या हम ऑरा को चेक कर सकते हैं? देखिए ऑरा को जो लोग ऑरा को यूज ज्यादातर कौन लोग करते हैं, या तो पैरासाइकोलॉजिस्ट करते हैं या रेकी वाले लोग करते हैं, प्राणिक हीलिंग वाले लोग करते हैं, ये लोग करते हैं ज्यादातर यूज। तो ये जो एक्सपर्ट है, जैसे मैं खुद ग्रैंड मास्टर हूं, मैं टीच करता हूं रेकी को, तो वी कैन जस्ट दिस ऑरा लाइक दिस, मैं जैसे अपने अंगूठे को देख रहा हूँ, आई कैन जस्ट सी दैट, क्योंकि हमें प्रैक्टिस हो जाती है। बट नॉर्मल आदमी को कैसे विश्वास हो कि ऐसे ही अंगूठा दिखा दिया सर आपने, मजे ले रहे हो, ऐसे नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं। रशियन मशीन्स हैं जो आपकी ऑरा को दिखाती है, मैं आपकी स्क्रीन पे जो पिक्चर दिखा रहा हूं ये रशियन मशीन से लिया गया है, कॉस्टली आती है बट ये रशियन मशीन्स हैं जो आपकी ऑरा को स्कैन करती है और ये पूरी ऑरा को दिखा रही है चारों तरफ, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये मशीन आपकी पूरी ऑरा बताती हैं, आप उसका हालात बताते हैं, कहीं से कटी फटी तो नहीं है ऑरा, क्योंकि ऑरा दिन में कुछ ही टाइम खुलती है और ऐसे ही जो चीजें होती हैं उनको भी आप सील्ड कर सकते हो एनर्जी लेवल से, वो एक लंबा हो जाएगा वीडियो, तो उसको कभी आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। ये रामायण काल में पंचवक्त्रम करके रावण ने भी यूज किया है लंका को सिक्योर करने, तो कभी आप कहेंगे तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो ये जो ऑरा है ये चारों तरफ है, ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, और ये शील्ड करती है और इसमें जहां कट लग गया वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी, सिंपल सी बात है। अगर आपके हार्ट के पास कट है तो हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, कुछ और ऐसा चेस्ट में इशू हो सकता है, अगर आपके पाँव में है तो दर्द हो सकता है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये तो आपको पता लग गया ऑरा विजिबल होती है मशीन से।
अब हम आगे चलते हैं कि ऑरा से होगा क्या, ओरा भी देख ली हमने, माइंड की शील्ड है ये भी पता लग गया। तो पहला इम्पैक्ट तो मैंने आपको बताया, जैसे बच्चे का बताया, ये सब चीजें आपको बता दी, वो बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल पड़ेगा आपको। लेकिन प्रोफेशनली इसको हम कैसे जज करना चाहते हैं या प्रोफेशनली हम इसको कैसे देखें, इससे हेल्प कैसे हो, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट मैं इसमें तीन एग्जाम्पल लेता हूं। एक मान लो ये ऑरा येलो कलर, कलर्स होते हैं इसके, बट जो स्टूडेंट पढ़ते हैं हमारे से उनको हम समझाते हैं, तो ये कलर्स होते हैं, अगर ये येलो कलर में है तो पर्सन बहुत अच्छा है टीचिंग प्रोफेशन के लिए। अगर वो टीचर बनेगा तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अब आप कहेंगे टीचर तो कोई भी बन सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, इट इज वेरी इजी टू बिकम ए टीचर, बट इट इज नॉट इजी टू गेट रिस्पेक्ट एज ए टीचर। टीचर बनना बहुत आसान है, पर टीचर बन के रिस्पेक्ट को गेन करना बहुत मुश्किल है। तो ये वो लोग होते हैं जिनके आप पहुंच होते हो, अगर वो सड़क पे भी मिल जाते हैं, कुछ हमारे भी गुरु रहे हैं, अगर वो आज हमें कहीं मिल जाते हैं तो कहीं भी किसी भी प्लेस पे हो हम उनके पहुंच होते हैं, क्योंकि आज हम उनका रिगार्ड करते हैं, बट सारे उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो ये और आपको बता दें कि आप किस प्रोफेशन में जा सकते हो, आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो, अगर अच्छे इंजीनियर नहीं बनोगे तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी, क्या करोगे डिग्री लेके। तो आपके प्रोफेशन को स्पेसिफाई कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ दिस ऑरा। ये क्लियर हो गया। दूसरा ऑप्शन इसमें क्या, हेल्थ प्रॉब्लम। अगर ऑरा कमजोर होगी तो रिसीविंग एंड बढ़ जाएगा, जैसे मैंने बताया आप गए हॉस्पिटल में, आपने बात किया और सडनली आपको लगा आपको भी हार्ट अटैक होने वाला है या कोई बीमारी लगने वाली, कोई भी बीमारी हो सकती है उस आदमी को, स्किन की बीमारी है, कोई और बीमारी नॉर्मल, आपको किसी से कटसी में देखने गए, तो हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। कैसे बढ़ जाएंगी, एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगा आपका, हर मिनट हर क्षण ईच एंड एवरी मिनट आपका एंजाइटी लेवल हाई रहेगा, चेस्ट में प्रेशर रहेगा, हार्ट पे प्रेशर रहेगा, तो कोई ना कोई रिजल्ट आएंगे, तो हेल्थ प्रॉब्लम विल इंक्रीज अगर हम ऑरा को सही ढंग से जज नहीं करेंगे। तीसरा इमोशनल प्रॉब्लम, ये भी मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं अभी इमोशनली, ये सारी चीजें जो आप फोटो देख रहे हैं ये सारी उसी मशीन से ली गई है। इमोशनली कैसे, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये बहुत बड़ा है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक काफी डीप सब्जेक्ट है, अगर आप कहेंगे उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे आपकी रिक्वेस्ट को मानते हुए, लेकिन नॉर्मली आप समझे दो तरह के इमोशंस होते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली, अंदर से और बाहर से। इंटरनली मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको बाहर बहुत इज्जत मिलती है, आप अपने आसपास खुद को भी जज कर सकते हैं आसपास के लोगों को, बाहर के लोग समझते हैं इनसे इंटेलिजेंट आदमी नहीं है। He is a good solution maker, बहुत अच्छा solution बना के दे सकता है। He is a good guide for us, लेकिन क्या घर में उनकी बहुत ही बेचारों की हालत टाइट रहती है, कोई ना कोई समस्या रहती है, कभी बच्चे सुन नहीं रहे, कभी बीवी सुन नहीं रही, कभी रिश्तेदार तो मानते ही नहीं उनको कि वो किसी लायक है, तो इंटरनल इमोशनल स्ट्रेस बढ़ जाता है, इमोशनल प्रॉब्लम है उनके अंदर, उसकी वजह से क्या एक्सटर्नल परफॉर्मेंस का भी फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, आप समझदार है। और दूसरा है एक्सटर्नल इमोशंस, कुछ है वो घर में इतना ज्ञान बांट देते हैं कि हे प्रभु ऊपर से डायरेक्ट नारायण उतरा है आपके घर में, हमारा बच्चा एक्सीलेंट, इससे तो एक्सीलेंट कोई है नहीं, और जब वो बाहर जाता है ही कैन नॉट कन्विंस एनीवन, तो इमोशनल स्ट्रेस क्रिएट कर दिया एक्सटर्नल, बाहर के लोगों ने उस पर इतना स्ट्रेस क्रिएट किया कि वो घर से बाहर ही निकलेगा, उसको मालूम है घर में तो सब सुनेंगे मेरे, वही आपको सिंपथी गेन करना चाहेगा, वही सब करेगा और बाहर जाके, ठीक है। तो ये तीन चीजें मैंने आपको बताई, प्रोफेशनली हेल्थ और इमोशनली, तीन चीजें के अलावा बहुत सारी चीजों पर ऑरा कंट्रोल करती है। अब ये ऑरा ठीक कैसे होती है, ऑरा को यूजली बैलेंस करते हैं ये लोग जो पैरासाइकोलॉजिस्ट हैं और दूसरे लोग जो रेकी करते हैं, रेकी भी पुरानी हीलिंग से है, अगेन मैं मेरे को कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं लेकिन फैक्ट तो फैक्ट ही है, पुरानी हीलिंग हमारा अपना है, रेकी जापानीज है, मैंने आपको जो मशीन बताई वो रशियन है, ऐसे ही जापान की भी एक मशीन आती है, ये दो कंट्री तो बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं इस चीज के कि कैसे इसको ग्रास कर सकते, कैसे हम अपनी आर्मी की पावर बढ़ा सकते हैं, कैसे हम उनका ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उनको फियर ही ना लगे, और
जापान के पास बहुत सारे पेटेंट हैं इसके ऊपर, तो जापानीज रेकी है जो बच्चे सीखते हैं हमारे से और पुरानी खेली है, तो ये ठीक कैसे होगी? दो तीन मेथड है जो मेन है, बाकी तो बहुत सारे मेथड बैलेंस करने के। एक मेथड है क्रिस्टल हीलिंग, क्रिस्टल से बैलेंस हो जाती है, इंक्रीज भी हो जाती है, स्ट्रेंथन भी हो जाती है। दूसरा मेथड जो है वो है प्रोजनी अरोमा सेंटेटी साइंस, और थर्ड मेथड है कलर थेरेपी, कि कलर से भी ये ठीक हो जाती है। प्रोजनी अरोमा सेंटेटी साइंस क्या है? दिस इज द साइंस विच डिपेंड ऑन प्लांट्स, कि आप प्लांट्स से एनर्जी लेते हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। प्लांट आप सबको मालूम है बहुत अच्छे एनर्जी के मास्टर्स हैं, ऑलमोस्ट सारी मेडिसिन उनसे बनती है, घुमा फिरा के कहीं से घुमा लो उस मेडिसिन में बहुत सारी चीजें मिला देते हैं, वो अलग बात है, बट बेसिक तो प्लांट से आती है, तो प्लांट भी बहुत अच्छी एनर्जी देते हैं आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये तीन है, इसके अलावा बहुत सारे मेथड है, बट ये तीन बड़े पॉपुलर मेथड है जो मैंने आपको बताए। तो अभी आप ये समझ गए होंगे ऑरा क्या है, साइकोलॉजिकली वो कैसे अटैच है और आपको उससे कैसे हेल्प लेनी है। ऐसा नहीं कि ऑरा है तो मुझे क्या करना, भाई ऑरा है तो है, ठीक है ना, लेकिन आपको हेल्प कैसे लेनी है, हाउ कैन यू गेट द बेस्ट रिजल्ट। इस बारे में कोई भी क्वेरी हो डेफिनेटली यू कैन आस्क फ्रॉम अस, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डालिए, वी विल रिपोर्ट यू ऑन दैट। और हाँ, अगेन आई विल रिक्वेस्ट, अगर ये अच्छा लगा आपको तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, लोगों में बांटें, ताकि ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।